फिल्म की शुरुआत उत्तरी पेंसिल्वेनिया के शांत शहर बेजा में होती है, जहां एक छोटा परिवार शांति से रात के खाने की तैयारी कर रहा है। ये शांति अचानक उनके घर के बाहर एक बड़े विस्फोट से नष्ट हो जाती है। विस्फोट इतना शक्तिशाली है कि जब वे सुनते हैं तो परिवार बेहोश हो जाता है। उनके घर के बाहर रहस्यमय आवाजें आती हैं और जल्द ही उन्हें कुछ अजीब होने का एहसास होने लगता है। जल्द ही उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है और एक एक करके उन्हें खून की खांसी होने लगती है। परिवार का प्रत्येक सदस्य अंततः इन रहस्यमय और घातक प्रभावों से मर जाता है, सिर्फ एक छोटी लड़की को छोड़कर जो किसी तरह अलमारी में छिपी हुई थी। कुछ सालों बाद फिल्म न्यूयॉर्क में लॉरेन नामक एक एक्सोबायोलॉजिस्ट को दिखाते हुए होती है, जो पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में रुचि रखती थी। तब लॉरेन टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देखती है, जहां बताया जाता है कि यह शहर में एक काफी बड़ा विस्फोट हुआ है और शहर के सारे लोग मारे जा चुके हैं, पर अभी तक ये बात पता नहीं चली है कि यह आतंकवादी घटना थी या कोई डिजास्टर जिस कारण पूरे शहर को सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां का वातावरण जहरीला हो गया है और अब सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने हजमत सूट पहना हुआ है। इस समाचार का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वह शराब के गिलास के साथ बाथटब में डूब जाती है। तब उसके दिमाग में उसके बचपन की यादें घूम जाती हैं, जिसमें वह अपने पिता के साथ खेल रही थी। लेकिन तभी लॉरेन के घर पर आर्मी से क्लिंटन नामक सैनिक आता है और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि वह कल रात की घटना को समझने के लिए उसकी मदद मांगना चाहता है। जल्द ही वह उनके साथ जाती है। फिर वह कर्नल रॉजर और प्रोफेसर डेविड से मिलती है। वह लोग आपस में बात करते हैं कि जियोलॉजिस्ट ने बताया है कि उल्कापिंड के गिरने से ही विस्फोट हुआ था और उल्कापिंड के कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी मिले थे जो जमीन में घुस गए थे और इसी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जल्दी ही कर्नल रॉजर, लॉरेन और डेविड को सूट पहनकर घटना वाली जगह पर भेजा जाता है। रास्ते से जाते समय डेविड अपने दोनों बेटों के बारे में लॉरेन को बताता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। वह मानो किसी गहरी सोच में डूबी हुई है। जब वह लोग जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कुछ भी देखने लायक नहीं मिलता, लेकिन लॉरेन नोटिस करती है जहां पर उल्कापिंड गिरा था वहां पर लाल रंग का छोटा सा पौधा उगा हुआ है। वह फिर उस पौधे को अजीब तरह से छूती है। रात में घर लौटने पर वह उसी पौधे की फोटो देख रही होती है, जिसके कुछ देर बाद वह इंटरनेट पर उसी पौधे से रिलेटेड आर्टिकल्स और वीडियो देखती है, जहां उसे एक रशियन लेडी का इंटरव्यू मिलता है जो कह रही थी कि रशिया में भी इस तरह का उल्कापिंड गिरा था जिसमें से कुछ गैस केमिकल निकले थे और गैस केमिकल की वजह से कई लोगों की जान गई थी। जिस जगह पर वह उल्का गिरा था वहां पर एक पौधा निकला था जिसे रशिया ने नष्ट कर दिया और फिर उस शहर को सील कर दिया गया। लेकिन पता चलता है कि जिस रशियन लेडी ने यह इंटरव्यू दिया था उसे किसी रशियन ने ही गोली मार दी, इसलिए यूएस की मीडिया को लग रहा था कि रशिया जरूर कुछ छिपा रहा है। जिसके बाद हमें दो यूएस के डॉक्टर एक लाश का पोस्टमार्टम करते हुए दिखाए जाते हैं, जिसकी मौत उस जहरीली गैस से हुई थी। डॉक्टर जैसी उसके शरीर पर एक कट लगाते हैं, उस शरीर से काले नीले रंग का खून निकलता है जो देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही वह खून वापस उसके शरीर में चला जाता है और शरीर पर बना हुआ कट भी एकदम से ठीक हो जाता है और अचानक वह मरा हुआ आदमी भी उठकर बैठ जाता है। उसे देख लैब के बाहर लोग हैरान हो जाते हैं। तब डॉक्टर कैरन उस आदमी से बात करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन वह आदमी कुछ भी हरकत नहीं करता। फिर एक डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करती है और देखती है कि ये रुकी हुई है और उसका शरीर भी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। तब डॉक्टर उस इंसान को बताती है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, लेकिन फिर भी वह इंसान कोई भी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उस इंसान की तरह ही कई सारे मरे हुए लोग जिंदा हो चुके हैं। ये खबर अब सारे न्यूज चैनल पर कवर हो रही है। तब डॉक्टर सारे विक्टिम्स को उनकी जिंदगी याद दिलाने के लिए उनकी फोटोज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह लोग अब भी कोई हरकत नहीं करते हैं। सबसे हैरानी की बात ये कि 1300 से अधिक मारे गए थे पर उसमें से 39 लोग ही जिंदा हुए थे। डेविड कहता है कि 39 विक्टिम्स उसी शहर के हैं जहां उल्कापिंड गिरा था और इन लोगों ने उसकी छोटे छोटे टुकड़े निकल लिए हो, या सकता है इनके आर पार गए हो, जिसकी वजह से इनकी इंटरनल ऑर्गन खुद ही चेंज हो रहे हैं। यानी कि वह लोग एक तरह से इंसानी शरीर में ही अलग तरह के जीव बनते जा रहे हैं। तब लॉरेन रॉजा आपको बताती है कि जैसा अभी हो रहा है वह सब 2013 में रशिया में हो चुका है, इसलिए रशिया को कुछ ऐसा पता है जो अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। पर रॉजर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। अगली सुबह जिंदा हो चुके लोगों के लिए एक मीटिंग रखी जाती है और पता चलता है कि वह लोग जिंदा तो है पर उनके दिल की धड़कन नहीं चल रही है और उनके ब्रेन में भी कोई हलचल नहीं होती। वह खाते पीते भी नहीं है और ना ही सोते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उनके डीएनए में बदलाव भी हो रहा है। तब कुछ लोग तो उन्हें मारने के लिए कहते हैं ताकि उन जिंदा हुए लोगों से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। लॉरेन भी उस मीटिंग में अपने विचार रखती है। वह सबको रशिया में विशेष घटना के बारे में बताती है और यह भी कहती है यह पहले रशिया में हो चुका है, यह अब हमारे कंट्री में भी हुआ है और ऐसा फिर से भी हो सकता है।
इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। उसकी बातों पर वरिष्ठ अधिकारी कुछ खास बात नहीं समझ पाते और उसके पास अपनी बात को साबित करने का कोई जरिया नहीं था, जिस कारण वह वहां से चली जाती है और फिर बाद में शराब पीने लगती है। फिर से अपने पिता को याद करती है। अब हमें और पता चलता है कि वह अपने पिता के साथ अपने बचपन में किसी खुफिया जगह गई थी और उसके पिता ने उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। इसके बाद वह वर्तमान समय में जिंदा हो चुकी एक बच्चे के पास जाती है और उससे किताब दिखाकर बताती है कि ये किताब उसकी माँ उसके लिए पढ़ा करती थी जब वह छोटी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तभी लॉरेन को डेविड का फोन आता है, लेकिन वह कट कर देती है। लेकिन जैसे ही छोटी लड़की उसके वॉलपेपर पर वही लाल पौधे का फोटो देखती है, वह उसका हाथ पकड़ लेती है, जो देख लॉरेन डर जाती है। इसलिए वह तुरंत को ये बात कर्नल को बताती है। उसे लगता है कि वह लोग लाल रंग से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वह उसे उस लाल पौधे के बारे में बता देती है कि वह पौधा उल्कापिंड गिरने वाली जगह पर था, जिस पौधे के बारे में पहले कर्नल को नहीं पता था। उस 2 इंच के पौधे को शायद डेविड ने भी देखा होगा। तब जल्द डेविड कुछ अजीब बात को नोटिस करता है। संक्रमित लोग उत्तर दिशा की ओर ही अपना सिर किए हुए हैं और उत्तर में बैजर शहर है जहां उल्कापिंड गिरा था, और यह बात जरूर आपस में जुड़ी हुई हो सकती है, ऐसा उन्हें लगता है। फिर न्यूज से उन्हें पता चलता है कि एक पौधा है जो काफी विशाल हो चुका है, जबकि उल्कापिंड को गिरे हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, जिससे अब सभी लोगों को समझ में आता है कि 2 दिन पहले कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि खास किस्म का बीज गिराया था, जिसे शायद एलियन ने जानबूझकर प्लांट किया है। थोड़ी देर बाद लॉरेन और डेविड सूट पहनकर उस पौधे के पास जाते हैं, जिसे देख वो एकदम हैरान रह जाते हैं। वह लोग अपने साथ यूएस की आर्मी और एक संक्रमित हुए इंसान को भी उस पौधे के पास लाते हैं, ताकि वह समझ सकी है कि क्या इसे देखने से इन पर कोई असर होता है, और उनका अंदाजा सही निकलता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में उस इंसान की आंखें नीली पड़ जाती है और वह हरकत भी करने लगता है। वह कहता है कि वह उनके साथ वापस नहीं आ सकता क्योंकि वह आम लोगों के वातावरण में जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद लॉरेन मीडिया को इंटरव्यू में बताती है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति उस पेड़ के पास जाते हैं तो टॉक्सिक वातावरण की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन संक्रमित हुए इंसान के साथ इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। वह लोग उस पौधे के जरिए वातावरण में ही जिंदा रह सकते हैं। लॉरेन के इंटरव्यू के बाद लॉरेन के पिता उससे मिलने आते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि जब वह 8 साल की थी तब उसने अपने जन्मदिन पर अपने पिता से कोई गिफ्ट नहीं मांगा था बल्कि एक साइंस लैब मांगी थी, इसलिए उन्होंने उसे यह रूम दी थी जहां वह साइंस और स्पेस से संबंधी एक्सपेरिमेंट करती रहे। पर धीरे धीरे चीजें हाथ से निकलती गई क्योंकि तब से लॉरेन ने खुद को पूरी तरह से विज्ञान और स्पेस की दुनिया को समझने में लगा दिया, जिससे उसकी माँ परेशान रहने लगी और फिर एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तब पिता की बातें सुनकर लॉरेन दुखी हो जाती है और जल्द ही उसके पिता वहां से चले जाते हैं। अगले दिन लॉरेन की टीम उसे फिर से उस जिंदा हुए इंसान के पास भेजती है, वह इसलिए क्योंकि वह उसके बारे में और जानना चाहते हैं। तब वह एलियन लॉरेन को बताता है कि उनका प्लेनेट तबाह हो रहा है जो अब उनके रहने लायक नहीं है, जिस कारण वह खुद को जिंदा रखने के लिए नए प्लेनेट की तलाश में थे, और जब उन्होंने उस बीज को पृथ्वी पर भेजा तो वह यहाँ पौधा बन गया और फिर विशाल पेड़ में भी बदल गया, जिससे उन्हें यह बात साबित हुई कि पृथ्वी पर उन्हें जीवन मिल गया है, इसलिए अब यही उनका घर है। और पता चलता है कि इस काम में उन्हें धरती के ही एक इंसान ने मदद की जो खुद को सुपरनोवा 94 कहता था। उसने ही सबसे पहले उन्हें ढूंढा, कोड्स के जरिए उनसे बात की। उसी ने इंसानों की सारी ताकत और कमजोरी के बारे में उन्हें पहले ही बता दिया था। दोनों की बात ही हो रही थी कि थोड़ी दूरी पर लॉरेन की टीम का एक मेंबर्स उस पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये देख एलियन लॉरेन से कहता है कि उन्हें यहां से चले जाना चाहिए, पर लॉरेन मना कर देती है क्योंकि यह सब धरती के वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे। पर तभी एलियन उस इंसान को कंट्रोल कर लेता है और वह इंसान खुद का ही सूट फाड़ने लगता है, जिससे उसकी वही इन्फेक्शन के कारण मौत हो जाती है। बचाव में जब आर्मी ऑफिसर्स उस एलियन को मारने बढ़ते हैं तो उन्हें अजीब बीप आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे धीरे धीरे सारे लोग तड़प कर दम तोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर कुछ फाइटर प्लेन उस एलियन को मारने के लिए मिसाइल लॉन्च करते हैं, पर मिसाइल उस तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि उस बड़े पौधे ने अपने पास अदृश्य संरक्षण शील्ड बना लिया था, इसलिए आर्मी उस एलियन का कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ देर बाद काला धुआं उस पेड़ से निकलकर पूरे धरती पर फैलने लगता है, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। अब इसलिए सरकार सभी को गाइडलाइन देती है कि सभी लोग अपने घर से बाहर न जाए। इस दौरान सभी लोग अपनी अपनी वीडियोस भी शेयर करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसे सभी लोग डरे हुए हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच गई है, फसलें भी खराब होती जा रही है। लोगों के मन में अब डर बैठने लगा है कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए सभी लोग अपने अपने भगवान की प्रार्थना करने लगे हैं। इसी दौरान लॉरेन अपने बचपन के घर जाती है और सारी चीजों को देखने लगती है और फिर खुद से ही बातें करते हुए वहां से चली जाती है।
वहीं पूरी दुनिया तबाही के डर से डरी हुई थी, पर लॉरेंस को लग रहा था जैसे उसकी सारी परेशानियां खत्म हो रही है। वह ये सारी बातें सोचते हुए एलियन के पास आती है। तब एक चौंकाने वाला मामला हमारे सामने आता है, जब एलियन बताता है कि लॉरेन इन सारी चीजों में शुरुआत से ही शामिल थी। उसी ने उस छोटे से पौधे को बचाया, अगर उस समय ही पौधे को नष्ट कर दिया जाता तो ये सब नहीं हो रहा होता। इसके बाद एलियन उसका हाथ पकड़ता है और उसे उसका बचपन याद दिलाता है, जब वह अपने पिता के साथ एरिया 51 में गई थी, जहां एलियन को रखा गया था और लॉरेन ने उसे छूकर महसूस किया था, जिस कारण उसकी जीन्स में बदलाव आ गए थे। और उसी दिन से वह विज्ञान में रुचि लेने लगी। वह 8 साल की उम्र में रॉकेट का डिजाइन बना लिया करती। हर बार स्कूल में ये कहने लगी थी वह एलियन है और वह अपने घर वापस जाना चाहती है, जिसके लिए वह सुपरनोवा 94 बनकर परग्रही से बात करती थी। लेकिन एक दिन ये सारी अजीब बातें सुनकर लॉरेन की माँ ने उसका साइंस प्रैक्टिस बंद करवा दिया, जिस कारण गुस्सा होकर उसने अपनी ही माँ की जान ले ली और फिर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब वर्तमान में एलियन लॉरेन का मास्क उतार देता है और वह उस टॉक्सिक वातावरण में भी आराम से सांस लेकर जिंदा बच जाती है। जल्द ही पूरे धरती पर हर जगह विशाल अंडे दिखाई देने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद उस अड्डों में से काला धुआं निकलता है, जिसके कारण जो भी लोग जिंदा बचे थे वह धुएं के संपर्क में आते ही उनकी तड़प तड़प कर जान निकल जाती है। पता चलता है कि उस काले धुएं से एलियंस अपने लिए उचित वातावरण बना रहे थे। अंत में सारे इंसान मारे जाते हैं, एलियन पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लेते हैं और अब लॉरेन को लगता है कि वह अपने घर आ चुकी है, क्योंकि बचपन से ही वह एलियन को धरती पर आने का इंतजार कर रही थी और अंत में वह अपने मकसद में कामयाब भी रही। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को मदद करने के लिए सब्सक्राइब।